जब आप सिलिकॉन वैली बात करते हैं तो आप संयुक्त राज्य यूएसए के बारे में सोचते हैं, स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी की भूमि। आज हमारे पास एक अलग सिलिकॉन वैली है, भारत की सिलिकॉन घाटी। भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 20 से 30 वर्षों से चल रही है और इसका आईटी उद्योग इसका एक कारण है। आईटी उद्योग तेजी से भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है और बेंगलोर शहर इस उद्योग को पनपने के लिए अच्छी जमीन दे रहा है। भारत के सभी मुख्य तकनीकी निगमों का मुख्यालय शहर में है, जो भारतीय उद्यमियों के लिए एक केंद्र भी बन गया है। तो बेंगलोर भारत की तकनीकी राजधानी कैसे बना? खैर, चीजें तब शुरू हुई जब आईआईएस से स्नातक रामकृष्ण बालिगा नाम के एक व्यक्ति ने उस समय की सरकार को एक इलेक्ट्रॉनिक शहर के विचार का प्रस्ताव दिया। उन्होंने अमेरिका में एक जगह के बारे में सुना जो सेमीकंडक्टर और कंप्यूटर चिप्स के लिए लोकप्रिय हो रही थी, जिसे सिलिकॉन वैली कहा जाता है। राम भारत का अपना इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाना चाहते थे और राजनीतिक नेतृत्व इस पर सहमत था। इसके तुरंत बाद चिप बनाने वाली कंपनी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स नाम की एक कंपनी भारत आई। इसने शेष भारत और दुनिया को एक संकेत भेजा कि यदि आप एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं और कुछ बनाना चाहते हैं तो बेंगलुरु आपके लिए जगह हो सकती है। एक व्यक्ति है जिसने इस खबर को बहुत रोमांचक पाया, एन आर नारायण मूर्ति, जो भारत की पहली आईटी कंपनियों में से एक इंफोसिस के संस्थापक थे। उन्होंने और उनके सहयोगियों ने नंदन नीलेकणी, एस गोपाल कृष्णन, एस डी शिबुलाल के, दिनेश, एन एस राघवन, अशोक अरोड़ा, शहर में समान विचारधारा वाले और प्रतिभाशाली लोगों को खोजने की उम्मीद में अपनी कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थानांतरित कर दिया। धीरे धीरे अन्य सभी आईटी कंपनियां बेंगलुरु आने लगी, लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों और उसके बाद 1995 में इंटरनेट के उपयोग के बाद भारत का आईटी क्षेत्र 1990 में 100 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2001 में 8 बिलियन डॉलर हो गया। उसके बाद आईबीएम, इंटेल, सन माइक्रोसिस्टम जैसी कई टेक कंपनियां बेंगलुरु आईं। बेंगलुरु आईटी और टेक कंपनियों का एक समूह बन गया जिसने हजारों रोजगार के अवसर प्रदान किए। वहीं न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूरे देश में बीपीओ ऑफिस भी तेजी से बढ़ने लगे हैं। सरकार ने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क नामक एक निगम की स्थापना की। इसने प्रमुख आईटी डेवलपर्स को सैटेलाइट लिंक तक आसान पहुंच प्रदान की, जिससे वे भारत में किए गए कार्य को सीधे विदेशों तक पहुंचाने में समर्थ हुए। इसका फायदा बीपीओ और दूसरी आईटी कंपनियों को हुआ। भारत में बीपीओ क्षेत्र अब लगभग 47.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उद्योग है और इसके 10% से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। लेकिन आज भारतीय लोगों की मानसिकता बदल रही है। भारत अब बड़ा सोच रहा है और अब वे अमेरिकी कंपनियों के बजाय भारतीयों के लिए काम करना चाहते हैं। और 2000 के दशक के अंत में हमें फ्लिपकार्ट, पेटीएम और जोमेटो जैसे नए स्टार्टअप दिखाई देने लगे। दूसरी पीढ़ी के स्टार्टअप देश में शुरू हो रहे थे, खासकर बेंगलुरु में। आज के समय में भारत 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप पहले ही बना चुका है। स्टार्टअप्स को ये दिखाने की जरूरत है कि वे वैश्विक निवेशकों को मुनाफा कमा सकते हैं। नौकरशाही और उच्च कॉर्पोरेट कर कुछ व्यवसायों को देश से बाहर सिंगापुर या कहीं और धकेल रहे हैं, जहां नियम सरल है और कर कम है। फिर भी इन सभी समस्याओं के बावजूद भारत अभी भी अपनी युवा और विशाल आबादी के कारण व्यवसाय शुरू करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। भारत में प्रतिभाशाली लोगों का एक पूल भी है जिन्होंने नए विचार और एक कार्यबल प्रदान किया। भारत अभी भी अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम के शुरुआती दौर में है। जैसे जैसे देश में इंटरनेट उपयोगकर्ता स्टार्टअप्स के लिए अवसरों को लगातार बढ़ा रहे हैं और आईटी सेवा बढ़ती ही जा रही है, आगामी 5G क्रांति के साथ मिलकर भारतीय दूरसंचार क्षेत्र द्वारा पेश की जाने वाली सस्ती इंटरनेट लागतों की मदद से भारत में दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता होने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि भारतीय बाजार उद्यमियों के लिए सबसे आकर्षक बाजार बनने जा रहा है। फिर भी भारत के पास न केवल एक बड़ा बाजार है बल्कि बहुत से शिक्षित कार्यबल भी हैं। भारत एक ऐसा देश है जो साल दर साल 1.5 मिलियन से अधिक इंजीनियरों का उत्पादन करता है, जो एक ऐसी संख्या है जो केवल बढ़ रही है। इसका मतलब है कि उद्योग में कुछ बेहतरीन तकनीकी प्रतिभाएं भारत में हैं। यही कारण है कि भारत दुनिया में पहली पसंद है। यूएस दिन प्रतिदिन व्यवसाय के बाजार हिस्से में 55% से अधिक की हिस्सेदारी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिमी देशों में प्रतिभा की भारी कमी है, और विदेशों में जाकर और भारत जैसे देश में एक विकास केंद्र स्थापित करके कंपनियां इंजीनियरों के विशाल प्रतिभा पूल तक पहुंच प्राप्त कर सकती हैं।
तो कोई बात नहीं, भारतीय आईटी और तकनीकी क्षेत्र का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। हमें लगता है कि अगले दशक में भारत टेक बिजनेस में सबसे आगे चलने वाला है और बेंगलुरु इसका केंद्र होगा। धन्यवाद। जय हिंद।